Hi friends, welcome to new video. So today in this video I am talking about my first pregnancy experience, as all my viewers asked me to share my first pregnancy experience. So without any delay, let's start the video. जैसे कि आप सबको पता है कि ऑन 14 फरवरी 2019 मेरा DNC हुआ था, और आफ्टर DNC मुझे 1 से 2 वीक लग गया था रिकवर होने में. तो बहुत से लोगों ने मुझसे 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे थे कि मैम आपको रिकवर होने में कितना टाइम लग गया था, सेकेंड आपको कितने दिन तक ब्लीडिंग हुई थी, एंड थर्ड कि मैम जब आपको ब्लीडिंग क्या वो नॉर्मल जो आपको ब्लीडिंग हो रही थी वो क्या हैवी होती थी, लाइट होती थी या नॉर्मल होती थी. तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो मैंने आपको आंसर दे दिया है कि हाँ मुझे रिकवर होने में कम से कम 1 से 2 वीक लग गया था, क्योंकि इसमें मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ दिया. एक तो मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट कहा गया था, सेकंड चीज़ मैं जूस बहुत पीती थी एंड सूप, यस, और सूप वो भी एप्पल टमेटो. मुझे टमाटर तो बिल्कुल पसंद नहीं इसलिए मैं नहीं डलवाती थी. चुकंदर, स्पिनच, गाजर, इन सब का बनाकर मैं सूप पीती थी दोनों टाइम, सुबह एंड शाम. तो उससे मेरी बॉडी को रिकवर होने में बहुत ही मदद मिली थी, इसलिए मैं बहुत जल्दी रिकवर हो गई थी. थर्ड सेकंड चीज़ कि मैम आपको कितने दिन तक ब्लीडिंग हुई थी, तो मुझे ये ब्लीडिंग भी 1 से 2 हफ्ते हुई थी ब्लीडिंग, पर हाँ इतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं हुई थी ना इतनी लाइट हुई थी, मतलब ठीक ठाक हुई थी. अब जैसे मेरी DNC के 1-2 दिन तो मुझे बहुत ही हैवी ब्लीडिंग हुई थी, उसके बाद फिर बहुत लाइट होने लग गई थी, पर हाँ ये मुझे 1 से 2 वीक तक तो था मेरा ये. तो एक और क्वेश्चन था जो बहुत ही कॉमन था, वो ये था कि मैम आपकी DNC कौन से डॉक्टर ने की थी. तो मेरी DNC मिसेस मंजू वाही ने किया था, उन्हीं की गाइडेंस में मेरे दोनों बच्चे भी पैदा हुए थे, मेरी प्रेगनेंसी भी उन्हीं के गाइडेंस में ही अच्छे से हुई है. उनका एड्रेस यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर विजिट कीजिएगा, वो बहुत ही अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है. अगर आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, कोई आपको DNC करवाना है या आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज़ उनके यहाँ जाइएगा, वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है. मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ, वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, आपको ज़रूर उनके यहाँ जाना चाहिए. फिर उसके बाद जब मैं रिकवर अच्छे से कर गई थी, फिर मुझे डॉक्टर ने अपने पास बुलाया था कि हाँ सब कुछ चेक करने के लिए, कि DNC के बाद सब चीज़ ठीक है, कोई इंटरनल इंजरी या फिर कोई इंटरनल इन्फेक्शन ऐसा तो कुछ नहीं है. तो उन्होंने मुझे चेक किया तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सब चीज़ ठीक थी. फिर उन्होंने मुझसे ये चीज़ कही थी कि आपको कम से कम 3 महीने तो अपनी प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है. DNC के बाद पीरियड्स थोड़े इरेगुलर हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा था कि पहले आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाए उसके बाद आप ट्राई करना, इसलिए उन्होंने मुझे 3 मंथ का कहा था. और साथ ही साथ उन्होंने मुझे 2 दवा भी दी थी, एक थी एकोस्पेरिन 75 और दूसरी थी फॉलिक एसिड. तो यही 2 दवा मैं खाती थी मैं 3 महीने तक इसको कंटिन्यू रखा था, एंड आफ्टर प्रेगनेंसी भी मैं इसे खाती थी. हाँ, DNC के 1 से 1.5 महीने बाद मैंने कंसीव कर लिया था, क्योंकि यार मुझे बहुत ही मैंने सुनने में आया था कि जिनका DNC हुआ है वो सालों साल ट्राई करती है, काफ़ी महीने उन्होंने ट्राई किया होता है पर नहीं कंसीव कर पाती. एक डर ये भी था कि कहीं मैं कंसीव कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ, पर फाइनली जब मैंने कंसीव कर लिया मैं खुश तो थी पर मैं इतना भी नहीं थी, क्योंकि वही सेम चीज़ फिर मेरे साथ रिपीट हुई थी कि एक डार्क लाइन और एक फेंट लाइन. तो मैं डरी हुई थी कहीं ये चीज़ फिर से तो रिपीट नहीं हो रही, इसलिए ये चीज़ सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड को बताई थी और किसी से भी शेयर नहीं किया था ये चीज़ मैंने. फिर हम डॉक्टर के पास गए, जब मैंने उन्हें अपना होम टेस्ट दिखाया तो वो भी इतना श्योर नहीं थी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि ये फॉल्स अलार्म तो नहीं है, कि मतलब मेरे पीरियड्स को सिर्फ 1 या 2 दिन ही हुआ थे लेट हुए हुए, तो उन्हें लग रहा था कि हो सकता है प्रेग्नेंट ना हो तब भी ये ऐसा होम टेस्ट में दिखा रहा हो कि हाँ प्रेग्नेंट हो, ऐसा ना हो. तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपना SCG टेस्ट करा लो, तो हमने वो टेस्ट कराया. तो जब उसका रिपोर्ट आया कि हाँ वो बढ़ा हुआ है, तो उससे कन्फर्म हो गया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब भी हम दोनों इतने खुश नहीं थे. मतलब था एक थोड़ी सी मतलब खुशी थी कि हाँ चलो
इस बार हो सकता है सारी चीज़ें नॉर्मल हो, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, सब चीज़ ठीक जाए, स्मूथली जाए। फिर उन्होंने मुझसे यही मैं कंटिन्यू दवा खाती थी, फॉलिक एसिड और इकोस्पेरिन 75 प्लस। हाँ, एक उन्होंने मुझे इंजेक्शन भी कहा था जो मुझे 6th वीक तक, जब तक मेरी फर्स्ट सोनोग्राफी नहीं हो गई थी तब तक वो मुझे लगता था हफ्ते में एक बार, ये मुझे 6th वीक तक ये इंजेक्शन लगाया। उसके बाद फिर जब हमारी फर्स्ट सोनोग्राफी हुई, वो दिन मुझे अभी भी याद है। मतलब मैं इतना डरी हुई थी, मतलब जितने भी भगवान हो सकते हैं मैंने उन सबको बस यही प्रे किया था कि प्लीज़ जो मेरा फर्स्ट सोनोग्राफी उसमें मैं हार्ट बीट बेबी की सुन पाऊँ, सब चीज़ ठीक हो। फिर जब मेरा नंबर आया, फिर उन्होंने चेक किया सब चीज़, एंड द मोमेंट आई हेयर माई बेबी हार्ट बीट, लिटरली आई वॉज ऑन क्लाउड 9। मैं बहुत खुश थी। मैं बस डॉक्टर से कह रही थी प्लीज़ डॉक्टर कॉल माई हस्बैंड, प्लीज़ कॉल माई हस्बैंड, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सोनोग्राफी हो रही हो, आपके हस्बैंड भी आपके साथ हो, ऐसा नहीं है। फिर जब मैं रूम से बाहर गई, मैंने ये चीज़ उनको बताई कि हाँ, हमने हमारी बेबी की हार्ट बीट सुन ली है। वो एक्सप्रेशन में अभी तक मैं उनका नहीं भूली हूँ, इतना खुश थे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब वो मोमेंट हम दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल था, बहुत ही स्पेशल। उसके बाद फिर मेरी प्रेगनेंसी स्मूथली जा ही रही थी। फिर उसके बाद फिर 19th to 20th वीक के बीच में एक और अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें ये चीज़ देखी जाती है कि हाँ, मतलब जो बेबी के पार्ट्स बने हैं वो अच्छे से डेवलप हुए हैं कि नहीं, कोई अबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, या फिर कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, या फिर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है। फिर ये टेस्ट हुआ, बस प्रे कर रहे थे चलो ये भी सोनोग्राफी भी मेरी ये भी बहुत ही अच्छे से हो गई कि मेरा बेबी एकदम फाइन है, उसकी हार्ट बीट भी सही है, सब चीज़ ठीक है। तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथली थी अंटिल 6th मंथ तक। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी, अनन्या के टाइम मेरा फेस, मेरे बालों का टेक्सचर, सब चीज़ बहुत ही मतलब अच्छी थी। अगर मैं कहूँ तो मेरे बालों का टेक्सचर बहुत बढ़िया था, मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गई थी, कोई भी एक्ने की प्रॉब्लम नहीं थी। और मतलब ये सब चीज़ें कहा जाता है ना कि ये सारे सिम्टम्स लड़कों के होते हैं कि मतलब आपके बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा होगा, आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस होगी। मतलब एक प्रेगनेंसी ग्लो जो होता है वो अनन्या के टाइम पे था मेरे फेस पर, अनंत के टाइम पे नहीं था। अनंत के टाइम पे तो मेरे बालों का टेक्सचर बहुत ख़राब था, मेरे स्किन पे एक्ने हो गए थे, इतनी डल रहता था मेरा फेस। अनन्या के टाइम पे हाँ, वो जो प्रेगनेंसी ग्लो जो सब कहते हैं ना कि हाँ होता है मदर के फेस पे, वो मेरे फेस पे था। फिर 7th से 9th मंथ जो मेरा था वो तो यार बहुत ही ख़राब था, क्योंकि एक तो अनन्या का जो फीटल पोजिशन था वो था पोस्टीरियर। उस टाइम पे यार मेरा उठना बैठना इतना, मतलब मैं वो क्या बोलूँ, वो पेन ना 3 महीने मैंने पेन जो सहा है वो इतना ख़राब था। एक तो ना मतलब अगर आप बैठ जाओ तो मैं फिर उठ नहीं पाती थी, इतना दर्द, मतलब मुझे सहारा लेना पड़ता कि हाँ प्लीज़ मुझे उठाओ, इतना दर्द होता था उठने में। अगर आप जब वॉक कर रहे हो फिर आप ये चलो थोड़े बैठ जाओ, उसमें भी मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। मतलब बहुत पेन रहता, उसमें उठने बैठने में मुझे बहुत दिक्कत होती, इतना पेन होता था। एंड हाँ, मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करूँगी, मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने वॉक बहुत किया था, मैं नारियल पानी बहुत पीती थी, पानी भी मैंने खूब पिया था, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने पानी पिया था। प्लस मैं जो एक आते हैं लड्डू, मैं नाम बोल रही हूँ, मतलब नट्स के ही होते हैं, उसमें सारे मेवे होते हैं, वो लड्डू, हाँ वो मैं सुबह और शाम दूध के साथ मैं ये बहुत पीती थी, मतलब खाती थी सॉरी। तो उससे मेरी बेबी भी काफ़ी हेल्दी थी, मतलब अनन्या बहुत हेल्दी थी जब पैदा हुई थी, और प्लस बहुत गोरी थी, मतलब मुझसे भी ज़्यादा गोरी वो थी, और प्लस इतनी चबी थी कि यार मतलब जब मैंने उसे देखा था ना, इतनी गोलू मोलू, इतनी क्यूट। तो यही सब चीज़ मैं खाती थी अनन्या के टाइम पर। फिर वो डे आया 19th दिसंबर, उसमें क्या मतलब हमारा मुझे एज सच कोई पेन स्टार्ट नहीं हुआ था, बस मुझे ये था कि हाँ मुझे दर्द बहुत हो रहा था। तो मैंने ये चीज़ अपनी मदर से शेयर की थी, मम्मी मुझे पेन बहुत हो रहा है, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे कमर वाला पेन था। फिर पापा ने ये चीज़ सुन ली थी, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे क्योंकि मेरी डिलीवरी आसपास ही होने वाली थी, तो मैंने उन्हें पहले ही बुला लिया था। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया था, एक मशीन टाइप की होती है वो आपके पेट पे लगा देते हैं,
उससे बेबी की हार्ट बीट और मूवमेंट सब चीज़ कैप्चर हो रही होती है। तो जब वो मूवमेंट, जब बेबी आपका मूव करे, आपको बस प्रेस करना होता था। अब बेबी की हार्ट बीट तो एकदम सही जा रही थी, पर अनन्या उस टाइम पे मूव नहीं कर रही थी। अब मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि यार अब ये क्यों हो रहा है, मतलब 9th मंथ तो पूरा स्मूथली गया, अब ये दिक्कत क्यों आ रही, क्यों ऐसा हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। मतलब ये थे कि 15-20 मिनट तक अनन्या ने कोई मूवमेंट नहीं की थी। मतलब जब हम घर पर, मैं घर पे थी तब तक तो मुझे फील हो रहा था कि हाँ अनन्या मूव कर रही है। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हॉस्पिटल आते आते वो एकदम शांत हो गई, कुछ मूव नहीं कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और हाँ एक चीज़ और है, अनन्या का पता नहीं, जैसे उसे पता चल जाता है कि जब मतलब मेरी सोनोग्राफी हो रही होती थी या फिर कुछ भी चेकअप हो रहा होता था, जितनी देर मैं वेटिंग रूम में रहती थी अनन्या खूब मूव करती थी, बहुत मूव, मतलब इतना मूव करती कि मुझे परेशानी होने लगती थी, इतना मूवमेंट वो करती थी। और जैसे ही मैं डॉक्टर के पास जाऊँ या सोनोग्राफी हो, वो एकदम शांत हो जाती थी, कुछ भी मूव नहीं करती थी। तो सीरियसली डॉक्टर भी कह रहा था कि हाँ जो आपका बेबी है वो पक्की बात है आपके हस्बैंड पे गया होगा। फिर उसके बाद एक सीनियर डॉक्टर थी, तो उन्होंने सब चीज़ पापा से बताई कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ है, बेबी अभी मूव नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। मतलब ये था कि जो मेरा फ्लूड था वो थोड़ा सा कम था, मतलब 6 या 5 समथिंग हो गया था, इस वजह से उसे बच्चे को मूव होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। फिर यही डिसीजन लिया गया कि हाँ ऐसा करिए, मतलब डॉक्टर ने कहा था या तो आप पेन का वेट करिए या तो फिर आप, अगर आप हाँ करें तो हम अभी इनका सिजेरियन कर देंगे। फिर पापा ने कहा कि ऐसा करिए, आप पेन का वेट मत करिए, सिजेरियन कर दीजिए, अगर कि हेल्थ पे कोई बात आ रही है तो फिर आप ऐसा करिए सिजेरियन कर दीजिए। फिर सिजेरियन की प्रोसीजर स्टार्ट किया गया। और यार सीरियसली मेरा एपिड्यूरल का और जो मेरा इस चीज़ का एक्सपीरियंस है वो वर्स्ट था, वर्स्ट है। पहली बात तो एक तो मुझे पता नहीं था कि हाँ मतलब अगर सिजेरियन होगा तो आपका जो पेट के पास जो पूरा एरिया होता है वो आपको क्लीन करना होता है, मतलब शेव करना होता है। अब मुझे पता नहीं था। और उन्होंने जो एक वीट की क्रीम होती है जो मेरे पेट पर लगाए थे उस, मतलब मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उन्होंने वो लगा दी, मतलब क्रीम पूरे मेरे पेट पर लगा दी थी। अब ये था कि 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद उसे हटाना रहता था, अब वो लगा कर भूल गई। उसे आई थिंक उन्होंने 15 से 20 मिनट बाद हटाया। अब यार वो मेरी पूरी स्किन रेड रेड हो गई। ठीक है ये तो मतलब वो दर्द, तो एक तो मेरे पेट में और कमर में दर्द हो ही रहा था, ऊपर से फिर ये वाला भी पेन होने लग गया था। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। उसके बाद मतलब मेरा ऑपरेशन करने से पहले वो एरिया उन्हें क्लीन करना था मेरे पेट के पास, तो कोई केमिकल उन्होंने लगाया। और जब डॉक्टर ने मेरा पेट देखा कि इतना रेड हो चुका है, मतलब सीरियसली पूरा मेरा पेट रेड हो चुका था, ऊपर से उन्होंने फिर उस पर केमिकल लगा दिया। अब यार वो इतना दर्द होने लग गया था कि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इतना दर्द हो रहा था। और फिर ये दर्द तो था ही। अब ये देखिए ये भी आ गई मेरे पास, से हाय हाय, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। मामा बेटू, मामा, तो वो मामा बेटू में दर्द हो गया। ओ नहीं बेटे के पेट में दर्द हो गया। मामा बटरफ्लाई, मामा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। तो यार वो दर्द तो था ही, ऊपर से फिर एपिड्यूरल का, एपिड्यूरल का दर्द भी, मतलब एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेकार रहा, बहुत बेकार रहा। एक तो जो डॉक्टर आया था उन्हें मैं क्या बोलूँ, नौसिखिया था कि पता नहीं क्या बेवकूफ़ टाइप का था। उससे वो मेरे, मतलब मैं एक तो पेट की वजह से वो बार बार मुझसे कहे कि मामा बेंड हो, ये बेंड हो, ये अब मुझसे बेंड हुआ नहीं जा रहा है, एक तो पेट आगे बार बार आ रहा है। बार बार मुझसे कह रहे थे डॉक्टर कि प्लीज़ आप बेंड होइए ताकि वो जो निडल है वो अच्छे से स्पाइन में आपके चली जाए। अब ये पेट की वजह से मैं अच्छे से बेंड भी नहीं हो पा रही थी, बाबा पेट के बीच में आ रहा था, और प्लस कम से कम यार उसने वो निडल मेरे स्पाइन में 4 से 5 बार घुसाई है। वो यार पेन, मतलब इतना ख़राब पेन था कि मैं क्या भाई, तो हड्डी में वो घुसा रहा था, इतना ख़राब था यार, मतलब घुस ही नहीं रहा था उससे। फिर आई थिंक 1 या 2 नर्स ने जब मुझे एकदम पूरा बेंड कर दिया था, मतलब ये था कि पेट एकदम दब रहा था मेरा, ये हालत हो गई थी, इतना ये लोग ने पुश कर दिया था मुझे नीचे की तरफ।
तब जाकर वो जब उसमें स्पाइन में मेरे इंजेक्शन लगाया है, वो एपिड्यूरल उसने डाला है, तब यार मुझे तुरंत लेटा दिया गया। 15 मिनट ही लगा होगा, फिर मुझे अनन्या के रोने की आवाज़ आई। और यार जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो सीरियसली मैंने अपना आई मास्क हटा के मैं रो रही थी। मुझे इतनी मैं खुश हो गई थी कि चलो जो इतना मैंने पेन सहा है, जो इतनी सारी तकलीफें मैंने सफ़र की है, उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि हाँ मेरी बेबी एकदम फाइन है। फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि हाँ आपकी बेबी गर्ल हुई है। पर एक चीज़ उन्होंने गलत की थी कि हाँ मुझे उन्होंने अनन्या को नहीं दिखाया था, ये चीज़ बस थोड़ी सी मुझे ख़राब लगी थी। उसके बाद हाँ मेरा मास्क थोड़ा सा हट गया था, तो जो ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स होती हैं उस पर मैंने अपना पूरा प्रोसीजर देखा था कि मतलब जो स्टिचेस मेरे लग रहे थे वो सब मैं ऊपर लाइट में देख रही थी। उसके बाद फिर मुझे आधे घंटे बाद फिर मुझे रूम में ले जाया गया था एंड मुझे वहाँ पर अनन्या को दिया गया। मेरे हस्बैंड जब अपने हस्बैंड ने मुझे दिखाया कि ये है हमारी बेटी, यार मैं बहुत खुश थी जब मैंने उसका फेस देखा कि चलो वो हेल्दी है, वो फाइन है, सब चीज़ ठीक है। तो यार मैं बहुत खुश थी कि चलो जो इतना इस पूरे सफ़र में मतलब इस पूरे 9th मंथ में जो मैं डर रही थी कि हाँ मेरी बेबी बस अच्छे से हो जाए, सब चीज़ वो हेल्दी हो, वो फाइन हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो सब वर्थ था। और ये देखिए ये है उसका रिज़ल्ट, मेरी शैतान बेटी। तो बस यही था मेरा प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। ऐसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना। तो अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँ, तब तक के लिए बाय 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 सी यू सी यू।